हेलो एंड वेलकम टू वाना बी ए शेफ। आज हम गुलाब जामुन, शाही गुलाब जामुन प्रीमिक्स बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो हमें चाहिए मिल्क पाउडर, जो कि है 2 कप मैंने यहाँ लिए। अगर ग्राम से बताऊँ तो ये 300 ग्राम मिल्क पाउडर है। यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया है, जो कि है 65 ग्राम्स। हाफ टी स्पून मीठा सोडा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये शाही गुलाब जामुन है, इसीलिए हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल गुलाब जामुन प्रीमिक्स बना रहे हो तो आपको सिर्फ इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है और आप ड्राई फ्रूट्स ओमिट कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं हमारा शाही गुलाब जामुन प्रीमिक्स। तो ये रहा मेरा मिल्क पाउडर और इसमें मैं डाल देती हूँ हमारा आधा कप मैदा जो हमने लिया था, और साथ ही में हम डालेंगे बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम तीनों चीज़ों को, ताकि जो बेकिंग सोडा और मैदा है अपने मिल्क पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये बन गया हमारा गुलाब जामुन प्रीमिक्स, जो कि है नॉर्मल गुलाब जामुन प्रीमिक्स। और अगर हम शाही गुलाब जामुन बना रहे हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करनी है इसमें, जो कि है यहाँ पे आपके अनुसार जितना आप ड्राई फ्रूट्स चाहते हो उतना आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया है। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो ये बन गया हमारा शाही गुलाब जामुन प्रीमिक्स। इस प्रीमिक्स को आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर 1.5 महीना रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो और 2 से 2.5 महीने इसको फ्रिज में रख सकते हो। मैंने यहाँ पे हमारा प्रीमिक्स में से आधा जो प्रीमिक्स था हमारा, मैंने वो लिया है, और हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए सिर्फ हमारा प्रीमिक्स और थोड़ा सा दही चाहिए। दही भी हमें सिर्फ 1 या 2 टीस्पून हमें चाहिए, और हम इतना ही ऐड करेंगे जितना इसको हमें डो बनाने में चाहिए। हमें ना कि ज़्यादा पतली डो चाहिए ना ज़्यादा टाइट डो चाहिए, तो हम थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करेंगे। तो मैं ये जो प्रीमिक्स है मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और इस प्रीमिक्स में मैं थोड़ा सा दही पहले ऐड करूँगी, जो कि है 1/2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी, और अपने हाथों से इसको मिक्स करूँगी ताकि मुझे पता चले कि ये डो की कंसिस्टेंसी बन रही है या नहीं। और हमें दही चाहिए और ज़्यादा, हम धीरे धीरे करके दही को ऐड करेंगे। हमारा डो प्रीमिक्स से रेडी हो चुका है। हम इसको थोड़ा देर 1-2 मिनट के लिए हम साइड में रख लेंगे। जब तक ये डो अच्छे से बन जाएगा हम अपना तेल गरम कर लेंगे ताकि हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लें। साथ ही में हम हमारी चाशनी भी बना देंगे ताकि हम गुलाब जामुन को फ्राई करके इमिडिएटली हम वो चाशनी में गुलाब जामुन डाल दें। हमारा गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है, और बिल्कुल आप देख सकते हो कि एक जैसे हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा गुलाब जामुन का मिक्सचर लेंगे और हम इसको अच्छे से रोल करेंगे ताकि इसमें जो है क्रैक्स ना रहे, और हम इन सारी गुलाब जामुन जो हम रोल करेंगे एक प्लेट में रख लेंगे और हमारे गुलाब जामुन तल लेंगे एक साथ। तो ये हो गया हमारा पहला गुलाब जामुन। आप देख सकते हो कि इसमें कोई क्रैक्स नहीं है। आप इस पर रख दीजिए और बाकी सारी गुलाब जामुन मैं बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 गुलाब जामुन बनाई है पहले, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये प्रीमिक्स से गुलाब जामुन कितनी अच्छी बन जाती है। और मेरी चाशनी भी रेडी है। हम जैसे ही ये गुलाब जामुन को तल लेंगे या फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसको चाशनी में डाल लेंगे। हमारा तेल बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है वो डालेंगे और देख लेंगे कि इसका टेम्परेचर सही है हमारे गुलाब जामुन तलने के लिए या नहीं। गुलाब जामुन तलने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। आप देख सकते हो कि ये बबल्स आने लग गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा गुलाब जामुन का तेल जो है बिल्कुल सही टेम्परेचर पर है। तो हम इसमें हमारा पहला गुलाब जामुन डाल लेंगे और फिर डालेंगे हमारा दूसरा वाला। आप देख सकते हो कि गुलाब जामुन जो है इतना फूल गया है और ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया है। हम इसको ब्राउन कलर में तल लेंगे या फिर जितना आपको कलर चाहिए आप उतना तल सकते हैं। गुलाब जामुन अच्छे से तलने लग गई है और ये ब्राउन होने लग गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े से और गुलाब जामुन बनाकर इसमें डाल दिए और ये बिल्कुल भी फट नहीं रही है हमारी गुलाब जामुन।
अब इन गुलाब जामुन को जो कि ब्राउन हो चुकी है हम निकाल लेंगे और हमारी जो चाशनी मैंने बनाई थी उसमें डाल देंगे। और जैसे ही आप चाशनी में डालोगे तो गुलाब जामुन और भी फूलने लग जाएगा। हमारी सारी गुलाब जामुन तल के रेडी है। हम अब इसको करीब 15 से 20 मिनट तक सोक करेंगे, तब ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल भी सर्व करने के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे गुलाब जामुन कैसे बने हैं। मैं इसमें से एक गुलाब जामुन निकाल के आपको बताऊंगी और तोड़ के बताऊंगी ये कितना अच्छा और स्पॉन्जी बना है। आप देख सकते हो कि ये कितना स्पॉन्जी इसका टेक्सचर बना है आप गुलाब जामुन का, ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा गुलाब जामुन बना है। होप कि मेरा ये गुलाब जामुन प्रीमिक्स रेसिपी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।